गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे मोदी साहब इको एक उन्होंने उत्ते आह दाग लग लगता सी 2002 का गुजरात दंगे का उदे तो भी हूँ वह पाक साफ बरी बरी और जो फैसला भी किया उन्होंने कहा भी यह अनफादमेबल लफ्ज़ वरता है भी यह लभना बहुत औखा है कि लार्जर कॉन्सपिरेसी ये सीगी कि नहीं सीगी जकिया जाफरी एहसान जाफरी की वाइफ सीगी ते सिब्बल उन्हों का वकील सी बहुत तकड़ा ते फरवरी तुम्हें पता है गोदरा कांड के दौरान एहसान जाफरी जिहड़ा इलेक्टेड MP सी गुलबर्ग कलोनी दे विच ओह मतलब पब्लिकली मारिया गया वो फोन करता रहा किसी ने फोन नहीं चुकया पुलिस नहीं आई जिहड़े बंदिया ने मारिया बाद दे विच उहदे सिटिंग ऑपरेशन होए उन्होंने बयान भी दिते कि हाँ असीं मारिया सी ते उन्हों दी डिमांड ते यह SIT बनाई हुई सी जिहड़ी मतलब जिन्होंने क्लेड करिया इक्को दा इनफॉर्मल हिस्सा है जे तुसीं उहनूं खोल के देखोगे फिर ये बड़ी उदास करने वाली खबर है। सत श्री अकाल लोकरण चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं गुरजिंदर सिंह पंगू ते मेरे नाल डॉक्टर हरविंदर सिंह पट्टी पट्टी साहब जी आया। सत श्री अकाल जी श्रोतियां नूं भी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। दोस्तों पट्टी साहब नाल अज असीं जिस सबजैक्ट के उत्ते गल करांगे तुहाडे याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ते गुजरात के साबका मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हां दे नाल इक घटना जुड़ती है गुजरात दंगियां दी 2002 दी इह घटना। हुण कई कमिश्नर बैठे सैटअप बणियां सो जो सिट ने क्लीन चिट देती सी नरेंद्र मोदी नूं सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले नूं बरकरार रखिया 63 जने होर ने इस मामले ते गलबात करांगे पट्टी साहब नाल कि जो वड्डी घटना जुड़दी सी मोदी साहब दे नाल आखिर उन्हां नूं क्लीन चिट उन्हां दी बरकरार रह गई ते साफ पाक बाहर आ गए वो इस एपीसोड दे विचों। पट्टी साहब गुजरात दे विच मुख्यमंत्री हुंदे आ मोदी साहब इको एक उन्हां दे उत्ते आह दाग लगदा सी 2002 दा गुजरात दंगे दा उहदे तों भी हुण उह पाक साफ बरी हो गए। पंगू साहब देखो एक तां ऐसा केस है कि बहुत चर्चित केस है, दूजा सुप्रीम कोर्ट दा फैसला है, कोर्ट मान जो कोर्ट जो भी समझे मतलब उहदे ते टिप्पणी वाली करनी वाजिब नहीं हुंदी पर कोर्टा की आम बंदे जी नहीं पता एक लिमिटेशन होंगी है कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड जो फैक्ट रखे होंगे ने इनवैसटीगेटिंग एजेंसी ने बेस से ही उन्होंने फैसला करना होंगे और जो फैसला भी किया उन्होंने कहा भी यह अनफादमेबल लफ्ज़ वरता है भी यह लभना बहुत औखा है कि लार्जर कॉन्सपिरेसी ये सीगी कि नहीं सीगी पर कॉन्सपिरेसी के मोदी साहब शामिल सके कि नहीं सके गल इनी कही है। जकिया जाफरी एहसान जाफरी की वाइफ सीगी तो सिब्बल उन्हों का वकील सी बहुत तकड़ा सो केस पिछले 20 साल तो लगभग चल रहा है तो फरवरी थोनों पता है गोदरा कांड के दौरान एहसान जाफरी जिहड़ा इलेक्टेड MP सी गुलबर्ग कलोनी दे विच ओह मतलब पब्लिकली मारिया गया वो फोन करता रहा किसी ने फोन नहीं चुकया पुलिस नहीं आई जिहड़े बंदिया ने मारिया बाद दे विच उहदे सिटिंग ऑपरेशन होए उन्होंने बयान भी दिते कि हाँ असीं मारिया सी एविडेंस सीगे सारे ते उन्हां दी डिमांड ते यह SIT बनाई गई सी जिहड़ी मतलब जिन्होंने प्लेड करिया उस SIT ने इन्हां नूं क्लीन चिट देती वह हाई कोर्ट ने अपहेल्ड करी फिर वह सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करती। हुण इह तां हैगा एक लीगल हिस्सा कि केस किवें चलिया उहदे विच कि इनवैसटीगेशन होई कि फैक्ट कोर्ट के सामने रखे गए उहदे बेस ते उन्होंने फैसला लिया एक इहदा लार्जर हिस्सा है कि साडे मुल्क दे विच न्यायपालिका जां इंसाफ दा जिहड़ा तंत्र है उहदा लैवल की है क्योंकि ये केस सिर्फ जकिया जाफरी जां उहदा केस नहीं सी कल्ला इहदे च कि भी हिस्सा इनवॉल्व है कि की मिनोरिटीज़ दे नाल जे कोई जुल्म हो जाए उहनां नूं इत्थे जस्टिस मिल सकदा है कि नहीं असली इहदा सियासी हिस्सा ये सीगा। पर दूजा है कि जिहड़ी SIT सी RK राघवन शायद उहदा मेरा ख्याल है चीफ सीगा उन्होंने किसी मुल्क का हाई कमिश्नर भी बनाया गया बाद दे विच सो एक तो फॉर्मल स्ट्रक्चर है हर चीज़ का इको दा इनफॉर्मल हिस्सा है जे तुसीं उन्होंने खोल के देखोगे फिर ये बड़ी उदास करने वाली खबर है मतलब खतरनाक है मेरे हिसाब के नाल क्योंकि साढ़े मुल्क दे विच जदों असीं आजाद होए तो असीं डेमोक्रेटिक स्टेट का मॉडल अपनाया ये साडा अपना नहीं सी
असी उधारा लिया है। साड़ी अपनी सोसाइटी है जिहड़ी डेमोक्रेटिक नहीं है, साडे लोगों की चेतना भी डेमोक्रेटिक नहीं है, असी लोकराजी लोग नहीं हाँ, असी तो जात पात वाले लोग हाँ, साडे तो एक दूजे नूं पूरे हक मनण दी साडी चेतना का हिस्सा नहीं बन सकी गल। ये ठीक है बोधियां ने कोशिशां करियां, सिखिज़म दे विच गुरुआं ने बहुत वड्डी अटैम्प्ट करी इहदे उपर, पर असी डेमोक्रेटाइज नहीं हो सके, असी लोकतंत्री लोग नहीं हाँ। सो इस करके साडे उपर वो जदों इंपोज किया गया सी हौली हौली उहनूं अपने तरीके नाल बिठालना सी। पहली जनरेशन नहरू उहनां दी सी, उदों ये भी होया तुसीं देखो एग्जाम्पलां ने अपने सामने कि अंबेडकर साहब ने इलैक्शन लड़ी कांग्रेस के खिलाफ तो हार गए, नहरू उन्होंने पार्लीमेंट के नोमीनेट करके राज्यसभा के लैके गया। मतलब यह भी एक लैवल से किसी टाइम बिल्कुल कि अपोजिशन होने के बावजूद भी डिफरेंस होने के बावजूद भी उसकी इज्जत सी। हौली हौली एक समा यह भी आया, अब आप डिस्कस कर रहे हैं बैठे अज के दिन ही 1975 के 25 जून एमरजेंसी भी लाई गई सी, सारा कुछ बंद किया गया, सारे हक खोहे गए, वो पिछे भी एक फैसला सी कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने सिन्हा सी जज, उन्हें इंदिरा गांधी दे पटीशन हुई उसकी इलैक्शन से, उन्हें कहा भी माल प्रैक्टिस इन्हें कीतियां ने इस करके खत्म कर दो। बिल्कुल एक लैवल भी सी साडी जुडिशरी का कि पद तो उतरन की बजाय फिर उन्हें एमरजेंसी लाई, मुड़ के साडे जिहड़ा जिहड़ा असीं मॉडल अपनाया सी उहदे देखो मोटे तौर पर अपन दर्शकों नूं दस दिए भी चार पिलर समझे जाते हैं डेमोक्रेसी के, विधान पालक है जिहड़े कानून बनाउंदे ने, कार्यपालक है जिहड़ी उन्हां नूं लागू करती है, न्यायपालक है जिहड़ी कॉन्स्टीट्यूशन के अकॉर्डिंगली देखती है कि सारा कुछ कॉन्स्टीट्यूशन के विधान के हिसाब नाल चल रहा है कानून के हिसाब नाल कि नहीं। एक मीडिया है, मीडिया तो जिहड़ी न्यायपालक है मतलब यह जे आजाद होण तां समझिया जांदा भी बड़ी हैल्दी डेमोक्रेसी है। साडी डेमोक्रेसी लई हौली 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 बड़े चैलेंज आए, एमरजेंसी का तो खैर 19 महीने रही, उस तों बाद उन्होंने इलैक्शन डिकलेयर करिया, इंदिरा गांधी हार गई, दोबारा रिवाइव हो गई डेमोक्रेसी। हुण जिहड़ा सिलसिला चलिया मनमोहन सिंह तों बाद वाला मोदी साहब आए, हुण मतलब अथॉरिटेरियन किस्म दीआं टेंडेंसीज साडे काफ़ी डिवेलप हो गई, इहदे विच मीडिया सब तो पहला गिरिया, मीडिया गोदी मीडिया च कन्वर्ट होया, जुडिशरी जिहड़ी साडी है वह इन्हां तो पहला ही मोदी साहब दे आउण तो पहला ही इन्हां नूं 2-3 चैलेंज आए सी साडी जुडिशरी नूं, वड्डे चैलेंज जिहड़े कह सकदे आ। एक तां 84 च आया, 1984 दे विच इंदिरा गांधी की मौत तो बाद मतलब 3000 के लगभग सिखां दा कतल किया गया दिल्ली च ते बाकी शहरां दे विच। परसों शायद मेरा ख्याल कानपुर दे विच जिहड़े 157 मर्डर होए सी, 37 सालों बाद 4 बंदियां की गिरफ्तारी के हुक्म होए ने, हुक्म होए बिल्कुल। ये साडे इंसाफ तंत्र का एक मूंह बोल दी तस्वीर, जिन्हां दी ओह ऑर्डर होए ने गिरफ्तारी दे ओह 80-80 साल दे ने। हाँ वो तो नेचुरली तो पता ही बिल्कुल। अच्छा इदा ही दिल्ली दे विच जिहड़े बंदे कोई माड़ा मोटा कोई फड़िया फड़िया गया होवे दंद लाउंदे फिर रहे ने। सो आपां उस टाइम का हुण उहनूं चाहे सुप्रीम कोर्ट कह दे चाहे हाई कोर्ट कह दे लोअर कोर्ट कह देण कि जी कांग्रेस जिम्मेवार नहीं सी, जां इह साबित करना बड़ा औखा है कि इहदे पिछे कोई कॉन्सपिरेसी सी कि नहीं सी, इहदे नाल बेइंसाफी का मसला नहीं हुंदा। कोर्टां अपने आप नूं मतलब दागी कर लैंदियां ने इहो जिहे फैसले दे के। सो सैकेंड फैसला जिहड़ा चैलेंज आया वड्डा वो आया बाबरी मस्जिद दे टाइम, बाबरी मस्जिद ढाही गई मतलब सब दे सामने सारा कुछ होया, सुप्रीम कोर्ट नूं एफीडेविट लिख के दिता सी सीएम ने, सारे कासे दे बावजूद लंबा समा केस चलिया ते फैसला जिहड़ा अल्टीमेट अपनूं सब नूं पता ही है की होया बिल्कुल ठीक है जी, उत्थे साडी जुडिशरी फेल होई। ये तीजा 2002 दे दंगियां वाला सीगा, इहदे विच जे टैक्नीकली तुसीं जस्टिफाई करना होवे टैक्नीकैलिटी तां तुसीं जुडिशरी दे विच जिहड़े प्रोसीजर ने देखोगे तां फ्री हुंदा है जज कि उहदे कोल उहदी लिमिटेशन है, उहदियां अक्खां ते पट्टी बन्नी हुई है असीं इंसाफ दे, उह तां जे कचहरी दे विच उहदे सामने भी कतल हो जावे जो इनवैसटीगेटिंग एजेंसी ने उहदे सामने फाइल दे विच रखणा उहनूं तां उही देखणा पैणा है, मतलब इह नहीं कह सकदा कि मेरे सामने होया सीगा बिल्कुल। सो इस करके जुडिशरी की लिमिटेशन होंदी है, पर हौली 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 की हो रहा है साडियां सारियां संस्थावां दे विच विधान पालिका दे विच मेरा ख्याल 38-40% क्रिमिनल आ गए ने, जिहड़ी साडी कार्यपालक है उहदा भी हाल साडे सामने ही है हुण,
ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਗਿਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੇਅਰ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਲੀਅਰ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ, ਨਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੱਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ, 5 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੇਦਾਗ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਰਤੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਸਦਉਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨੇ ਉਹ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਦਾਗ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 20-22 ਸਾਲ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਲਤ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੋ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਓਨੀ ਹੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਕਰਿਆ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਟਡ MP ਸੀ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ NGOs ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਿਆ, ਟਿਮਕਾ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਲਈਏ, ਟੋਲ ਟਮੱਕਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 84 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 4-5 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 84 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨਪੁਰ 4 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ HKL ਭਗਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਯੂਥ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਥ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਕਟਮ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਛੁੱਟ ਛੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ,
कि स्टेट ने किस तरीके दे नाल एक ऐसी पॉलिसी बनाई एक पूरी कम्यूनिटी नूं उहदे विच लिजाया और उह लोक उहदे विक्टम बने जिन्हां नूं पता भी नहीं सी कुछ दिल्ली की तरलोकपुरी के जे तुम एफीडेविट पढ़ो उन्होंने लोगों के जो उस टाइम के जोड़े पत्रकारों दिपोर्टा पढ़ो वह तो इंदिरा गांधी की पूजा करते उन्हें वसाई हुई सी बस्ती शिकलीगर लोग से वो घर जड़े जाके इन्होंने मारिया उ लुटिया रेप कतल किए उ इंदिरा गांधी दोटो लगे हुए से विक्टम वह बने देखो ना तुम सो ये साड़ी बदकिस्मती है कि साडा जिहड़ा लोकतंत्र है हौली हौली ये भीड़ तंत्र विच बदलता जा रहा है और ये बड़ी खतरनाक टेंडेंसी है और आने वाली पीढ़ियां ये बहुत जागृत होने की जरूरत होगी जिहड़ा असीं एवें भेड़ा की तरह एक ललकारा एक किसी चरवाहे का सुन के उहदे पिछे लग जाने कि जी मैं उन्हें फड़ के अंदर कर दूंगा मैं इदा मैं इंसाफ दूँ मैं रोटी दूँ फलाना दूँ ये सानू छड़ देना चाहिए सोशल मीडिया करके एक आह भी सिस्टम हो गया ना कि भट्टी साहब जो भीड़ तंत्र की तुम गल कर रहे हो कि घटना कोई भी होंगी है सोशल मीडिया वालों इदा पेश या मैनिपुलेट की जाती है कि सारा भीड़ तंत्र उस बहन च बह तुरदा असी सोशल मीडिया के इन्नी गुलाम क्यों हो रहे हैं सोशल मीडिया का जां जिहड़ी भी आह चलते ने जिहड़े ट्रेंड्स चलते ने मीडिया दे विच उन्हां दा इक्को ही मतलब हुंदा है कि थोड़ी अपनी क्रिटिकल जिहड़ी सोच है अपनी जिहड़ी आत्मा दी आवाज़ है वह सुननी ना पवे जां बंद हो जाए यही उहदा होर कोई मकसद नहीं असीं उहनूं मतलब छड्ड के असीं अपना परसपैक्टिव क्यों नहीं रखते असीं अपनी सुरत नूं क्यों नहीं टिकाणे सिर रखते ये तो अज की गल नहीं तो बहुत पुरानियां मतलब पहलां तो ही है ये कि जिहड़ा सच है उन्हों दबाउण दी कोई हुण नहीं परंपरा पैदा हुई ये तो आदिकाल तो चली आ रही है तुहानूं याद होना महाभारत दे विच इक एपीसोड आउंदी है कि उहदे च द्रोणाचार्य दा बेटा है जिहड़ा अश्वत्थामा वो द्रोणाचार्य नूं उह निराश करन दे लई कहिंदे ने वी ऐ फुला दो कि अश्वत्थामा मर गया भीम एक हाथी नूं मार दिंदा हाथी दा नाम अश्वत्थामा हुंदा हाथी दे बच्चे दा ते ओह रौला पाउण लग जांदा कि जी मैं अश्वत्थामे नूं मारदा अश्वत्थामे नूं मारदा द्रोणाचार्य नूं लगदा वी मेरा बेटा मर गया एकदम उह हिल जांदा वह कहिंदा मैं विश्वास नहीं करूँगा मैं जिनी देर युधिष्ठिर नहीं कहिंदा क्योंकि युधिष्ठिर झूठ नहीं सी बोलदा पांडवां ने कृष्ण महाराज की कृपा दे नाल ही करिया वह कहिंदे तूं इह कहीं वी अश्वत्थामा मर गया तू हाथी बाद च कह दी ये ना कहीं भी हाथी अश्वत्थामा मर गया उन्हें कहा जी अश्वत्थामा उन्हें पूछा भी अश्वत्थामा मर गया वह कहिंदा जी हाँ अश्वत्थामा मर गया हाथी उन्हें बाद गया कहिंदा जद नूं ढोल वजा दिओ वो इन्नी उच्ची ढोल वजाए उन्हें हाथी सुनिया ही नहीं ये उदों का चलिया होया काम है कि ढोल ही इन्ना पिट दिओ किसी चीज़ का कि सच की आवाज़ है जी दब के रह जाए सुने ही ना पर हमेशा टैंपरेरी होंगी है गल अज बैठे अपना जे उदों की यह गल कर रहे हैं यदा मतलब गल खत्म नहीं सी हुई बिल्कुल सच है जिहड़ा उहदे तों असीं ना भज सकदे आ ना उहने हारना हुंदा है टैंपरेरीली सानूं लगदा है भी असीं इन्ने चैनल खरीद लए इन्ना रौला पा लिया जी इन्नी फीडबैक आ गई इन्नियां लाइक्स आ गईआं मतलब वह एक वैसे एवें दिखावा हुंदा है आर्टिफिशियल साढ़े जिन्हें भी सत्ताधारी ने सारिया पार्टियां गौरमेंट ने जी खास करके मैं दसदा वो लोगों नालों टुटिया हुई ने ग्राउंड लैवल की रियलिटी उन्होंने कोई पता नहीं असी बिल्कुल बहुत बड़े संकट के किनारे ते बैठे हैं किसी भी घड़ी कुछ भी हो सकता है ये एवें जोड़े एम एल ए खरीद खरूद के इधर उधर जो करते फिरते हैं ना कि मतलब कुर्सी सुरक्षित है सुरक्षित नहीं है ये जान लेना चाहिए इन्हों पर यह मेरा ख्याल यह है कि इन्नी स्पीड से घटनावां वापर रही ने ये होश खो चुके हैं साडे लोग पर इस करके चलो ये तो खैर कोर्ट का फैसला इस नाल इहदा कोई संबंध नहीं पर प्रोपेगंडा जिहड़ा इहदे उपर चलूगा तो हक च भी तो उल्ट भी असीं संस्थावां दे उपर सवाल खड़े कर रहे हैं लोग ने जिहड़े साडे ज्यों ज्यों असीं संस्थावां नूं यूज़ करांगे उहनां दे मनां चों उहनां दी जिहड़ी पड़त है मारी जाऊगी गौरमेंट की पड़त भी मारी जाऊगी एक बार थोड़ी पड़त गमाई जाए ना वो दुबारा प्राप्त करनी बड़ी औखी होंगी बिल्कुल साढ़े हुण पोलीटिशन की कर रहे हैं भी वह लोगों को इकट्ठे करके होर मतलब दिखा रहे हैं भी साड़ी पड़त हैगी है जो दिखाना पै जाए ये मतलब संकट तो हैगा ही है जी जब मैं थोनों कहा कि मेरे ते पंगू साहब भरोसा करो तुसीं
इस गल दे विच ये हैगा कि थोड़ा भरोसा डोल रहा है। भरोसा डोल रहा है बिल्कुल। बस सो ये हालात उधरले पास में जा रहे हैं जी। बिल्कुल भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया गलबात लिए। धन्यवाद। थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों साढ़े नाल जुड़े हुए सी डॉक्टर रविंदर सिंह भट्टी। भट्टी साहब तो असी खास जो साडा सब्जेक्ट सी विषय सी कि नरेंद्र मोदी जो क्लीन चिट सी सुप्रीम कोर्ट वालों बरकरार रख दी गई। इको एक दाग जो देश के प्रधानमंत्री ते लगदा सी मुस्लिम दंगिया दा आखिर उहदे विचों ही पाक पवित्र होके बाहर निकले ने। हुण अगे की इहदे च मूवमेंट होगी डिवेलपमेंट की होगी जो साडे कोल इनफॉर्मेशन होगी थोड़े नाल लगातार असीं सांझी करदे रहांगे। तुसीं बने रहो थोड़े अपने चैनल लोकराणा चैनल पंजाबी ते। धन्यवाद।